क्या किया वजीर आजम आपने? ठीक है, आपने पीडीएस को जारी किया, 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमारा गोदाम भरे हुए, छोड़िए ना इसको प्रधानमंत्री जी, किस दिन के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इतना सामान रखा, अकाउंटिंग के लिए छोड़िए उसको, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से पूरे भारत के स्टेट्स को दीजिए आप, जो जो एफसीआई में पूरे स्टेट्स को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, भूखे हैं लोग, उन लोगों को दीजिए जो लंगर लगाते, जो खाना पकाकर गरीबों को खिलाएंगे। 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन इंडिया हमारा किस दिन के लिए, क्या करेंगे हम? अमेरिका को तो आप दवाएं दे सकते हैं, आप नहीं देंगे? 77 मिलियन टन रखा हुआ है एफसीआई में, इसी आज ही ऐसे दिनों के लिए तो हमने किया था। मैं लॉकडाउन अगर आपको बढ़ाना है वजीर आजम, यह आपका फैसला है, मगर लॉकडाउन अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब एक एक गरीब के अकाउंट में आप कम से कम 5,000 रुपए डालेंगे। डालिए 5,000 रुपए, अगर बजट को खत्म करना है खत्म करके नया बजट लीजिए, अगर नोटों को छापिए नोटों को। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सही कहा, यह वक्त जान बचाने का है, गरीब या तो गरीब कह रहा है कि हम कोविड से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, कहां जाएगा गरीब बताइए आप? मैं वजीर आजम से अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्टेट्स को, हमारे तेलंगाना में 85 लाख व्हाइट रेशन कार्ड होल्डर्स है कि एक एक व्हाइट रेशन कार्ड होल्डर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। लॉकडाउन आप बढ़ाइए, लॉकडाउन कामयाब उस वक्त होगा, कब तक हम गरीबों को रोक पाएंगे? उनको खाने की जरूरत है। यकीनन तेलंगाना में यहां की सरकार आउट ऑफ द वे जाकर 2 महीने का राशन भी दे रही है, अब 1500 रुपए करीब अकाउंट में भी जमा किए जाएंगे।